हूं आपके साथ आयुष चत्रांश। बुलेटिन की शुरुआत इसी और अहम खबर के साथ करेंगे। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी है, देवस्थानम बोर्ड का विरोध लगातार जारी। तीर्थ पुरोहित ने अब आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 21 जून से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। आज से तीर्थ पुरोहित काली पट्टी बांध कर पूजा पाठ कर रहे हैं। दरअसल 2020 में सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था और सीएम ने फैसले पर पुनर्विचार करने की बात भी कही थी। अब 15 जून को चारों धाम में तीर्थ पुरोहित उपवास भी रखने वाले हैं। 20 जून को बुद्धि शुद्धि के लिए हवन होगा और अगर फिर भी सरकार इस पर फैसला नहीं लेती है तो फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया गया है, प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, जो कि 21 जून से शुरू हो जाएगा। तो 15 जून को चारों धाम के तीर्थ पुरोहित उपवास रखने वाले हैं और आज से ही तीर्थ पुरोहित काली पट्टी बांध करके अपने इस विरोध को जता रहे हैं। आपको बता दें कि हालांकि मुख्यमंत्री बनने के दौरान तीरथ सिंह रावत की तरफ से ये बात कही गई थी कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के फैसला लिया जाएगा, इस पर पुनर्विचार भी होगा, लेकिन चूंकि अब इतना समय बीतने के बाद भी अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ऐसे में अब इसका विरोध एक बार फिर से तीर्थ पुरोहितों की तरफ से शुरू हो गया है और अब 21 जून से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की भी बात तीर्थ पुरोहितों ने कही है। इसके अलावा 20 जून को बुद्धि शुद्धि के लिए हवन भी होगा और आज से ही काली पट्टी बांध करके ये तीर्थ पुरोहित अपने विरोध को जता रहे हैं। तो देवस्थानम बोर्ड का ये विरोध प्रदर्शन लगातार शुरू हो चुका है और अगर इस पर फैसला नहीं लिया जाता है या इस पर पुनर्विचार नहीं होता है तो फिर यह आंदोलन अनिश्चितकाल के लिए होगा, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जाएगा, ये बात तीर्थ पुरोहितों की तरफ से कही गई। और चलिए बातचीत करते हैं, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ किशोर रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, किस तरीके से देखें देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो विरोध है वो आज से ही शुरू हो गया है, काली पट्टी बांध करके एक तो पूजा पाठ है, फिर 21 जून से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की भी बात कही जा रही है, क्या जानकारी? देखिए, बोर्ड अस्तित्व में आया तब से इसका विरोध हो रहा है। जब विधानसभा में पूर्व सरकार जिसमें त्रिवेंद्र रावत सरकार ने ये पास करवाया था, विधानसभा में कानून बनाया था, तब इसमें लगातार विरोध हुआ था और कांग्रेस ने भी इसका लगातार विरोध किया था। इसके साथ जो तमाम देव जो तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोग हैं उन्होंने विरोध किया था। इसका सीधा जो असर है, यानी चारों धाम के साथ 51 मंदिर, ये एक बोर्ड बनाया गया था और ये कहा गया था कि सरकार इसकी देखरेख करेगी और इसमें CEO जो बनाए गए वो एक IAS अधिकारी बनाए गए हैं और इसमें तमाम जो विधायक भी रखे गए हैं। तो उनका विरोध यही था कि सरकार मंदिरों को इस तरीके से अंडरटेकिंग नहीं कर सकती है, ये कहीं ना कहीं आस्था और तमाम सारी जो पुरानी रीत रिवाज चल रहे उसका कहीं ना कहीं एक तरह से अपमान है। अब ऐसे में जो तीन जिलों में, यानी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, इन तीनों जगहों पे ही चारों धाम आते हैं और लगभग 8 सीटें फर्क पड़ता है, 8 सीटों का, 8 विधानसभा सीटें हैं। विरोध इसलिए लगातार फिर से बढ़ गया विरोध। इससे पहले जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हरिद्वार में कहा था कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी, तो सभी तीर्थ पुरोहितों ने इसका स्वागत किया था। लेकिन सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री है, उनका एक बयान आता है और उन कहते हैं कि पुनर्विचार की कोई विचार की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये विरोध बढ़ गया, यानी पिछले 5 दिनों से लगातार विरोध बढ़ा है, चाहे वो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ हो, उसके साथ जो तमाम इसके 51 मंदिर जो इसके अंडर आए हैं उनको लेकर विरोध हो गया। आज जिस तरीके से केदारनाथ में फिर से एक सांकेतिक उपवास किया था, इससे पहले लगातार बद्रीनाथ में भी विरोध किया गया था, जोशीमठ में पुतला दहन किया गया था, गंगोत्री में पुतला दहन किया गया था, यमुनोत्री में पुतला दहन किया गया था। लगातार अब तीर्थ समाज मुखर होकर सामने आ गए,
दूसरी बात यह है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इस केस को लेकर, यानी देवस्थानम के विरोध में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसमें तीर्थ पुरोहित समाज और वर्सेस उत्तराखंड सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि जब आस्था और धर्म के साथ मामला आ जाता है तो ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है। और ऐसे में बीजेपी जैसी पार्टी जो हिंदुत्व का मुखर होके पक्ष लेती है, उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के लिए 6 महीने रह गए हैं। 6 महीने बाद एक तरह से प्रक्रिया पूरी चुनाव में चले जाएंगे, तो ऐसे में कैसे सरकार इसको शांत कर सके? क्योंकि अगर सरकार को ये बोर्ड, जिस तरीके से पुनर्विचार की बात की जा रही है, सरकार को अगर इसको वापस लेना है या इसमें चीजें, क्योंकि तीर्थ पुरोहित समाज का सीधा कहना है कि ये बोर्ड वापस नहीं, लेकिन किशोर ऐसे में चूंकि आपने बताया भी कि ये एक तो मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, फिर सरकार अगर ये कहती है, तीरथ सिंह रावत जिस समय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और बाद में कहते हैं कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, तो अभी मौजूदा स्थिति क्या है? क्या सरकार की तरफ से ऑफिशियली इस बात को कुछ बताया गया है या इनको कन्विंस करने की कोशिश हुई है या रास्ता निकालने की कोई कोशिश, या हम ये मान के चलें कि ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि सरकार अभी इस पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है? और क्या जानकारी निकल रही है किशोर, इसको अपडेट करें। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिद्वंद होते हैं पूरी सरकार का, उनके हर बात का मायने होते हैं। मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा तो इसे कैबिनेट में लाना होगा, और सबसे पहले सरकार को कैबिनेट में इलाके लाना कि जो हम केस लड़ रहे हैं वापस लेते हैं, यानी तीर्थ पुरोहित समाज भी फिर केस वापस होगा। उसके बाद इसको दोबारा कैबिनेट में लाकर इसको एक विधेयक के रूप में लाकर इसको कैंसिल किया जाना पड़ेगा विधानसभा से, क्योंकि कानून बन चुका है। अब जब कानून बन चुका है तो ऐसे में अभी स्थितियां क्लियर नहीं है। तीर्थ पुरोहित समाज का यही कहना है कि सरकार करे, सरकार इसको रखना चाहती है या भंग करना चाहती है। अगर भंग करना चाहती है तो हम इसका स्वागत करेंगे, अगर रखना चाहती है या इसमें कुछ संशोधन करना चाहती है तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे। और इसका जो सीधा असर है, बीजेपी के विधायक भी, मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी के विधायक जो यहां जो इन सीटों पर मौजूद है, वो भी दबी आवाज में इस बात को कह रहे हैं कि चीजें क्लियर होनी चाहिए। जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी और असमंजस की स्थिति रहेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी, और ये दिक्कतें जो पार्टी को वोट के रूप में, यानी अगले जो चुनाव होंगे उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, इन तीनों जिलों को मिलाकर 8 सीटें हैं, और 8 सीटों में कहीं ना कहीं अगर नुकसान होता है, उत्तराखंड जैसे 70 जिसमें 70 विधानसभाएं और 8 सीटें अगर नुकसान होता है तो सरकार बनाने में दिक्कत पेश हो सकती है। लेकिन अब ये है कि विरोध हो गया है, अब ये विरोध कितना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पंडा पुरोहित समाज ने लगातार विरोध शुरू कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं लंबी लड़ाई है और इसका खामियाजा शायद चुनाव के रूप में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन किशोर, क्या मान के चलें कि अभी ये और लिंगर ऑन होने वाला है, चूंकि एक तो अभी इसको लेकर के स्थितियां स्पष्ट नहीं है, दूसरा अब चुनावों में ज्यादा समय नहीं है, तो या तो इस पर निर्णय बहुत जल्दी है या तो हम ये मान के चलें, चूंकि 21 तारीख तक तो बता ही दिया तीर्थ पुरोहितों ने हम अनिश्चितकाल के लिए भी चले जाएंगे अब विरोध प्रदर्शन पर, क्या हम ये मान के चलें कि लिंगर ऑन होगा या सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं आपको ये नजर आ रहा है कि नहीं, इसको बहुत जल्दी हमको करना होगा नहीं तो नुकसान होगा हमको पॉलिटिकली, क्या नजर आ रहा है आपको वहां पे किशोर? बिल्कुल, जो देवस्थानम बोर्ड था इसको लेकर जब हरिद्वार में, मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि हरिद्वार में जब बैठक हुई थी तो वहां पर साधु संतों ने मुख्यमंत्री के सामने ये अपील रखी थी कि इसको आप पुनर्विचार या इसको भंग कीजिए, उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने बयान दिया था। अब ऐसे में जब ये जो कश्मकश है दोनों के बीच में, एक तरह से टकराव है, टकराव यही है कि देवस्थानम बोर्ड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। प्रीतिहित बोर्ड से साफ कहते हैं कि नहीं रहना चाहिए, सरकार अभी इस पर क्लियर नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस पर एक बयान देने के बाद चुप हो जाती है। जिस तरीके से इंदिरा हृदय जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी कहा है कि जैसे हम सरकार में आएंगे भंग कर देंगे। हरीश रावत भी यही कह चुके हैं और प्रीतम सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यही कह चुके हैं, सरकार के आते ही ये भंग कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सरकार, क्योंकि 21 तारीख से अगर तीर्थ पुरोहित समाज अनिश्चितकाल में चले गए और सरकार 15 तारीख के बाद चारधाम यात्रा आंशिक रूप से खोलती है, तो इसका नुकसान बहुत होगा और इसका जो मैसेज है वो लंबे तौर पर बड़े लेवल पे जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो ऐसे में बीजेपी जरूर डिफेंड होगी और बीजेपी को कोई ना कोई इसमें फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बड़ा तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान चुनावों में जरूर होगा। बहुत शुक्रिया किशोर इस बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। रुद्रप्रयाग में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में कांग्रेस सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक तरफ देश कोरोना के कारण त्रस्त है, लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, तो फिर वहीं बीजेपी की तानाशाह सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी गई है। तो
चार तस्वीरें देख लें। आज कांग्रेस के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया है। बाजपुर, कोटद्वार, मसूरी, रुद्रप्रयाग इन सभी जगहों पर खासतौर से डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, खाद्य तेल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के ये विरोध हुआ है और सभी जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जाकर के केंद्र सरकार के खिलाफ, मौजूदा प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई ये चार तस्वीरें हैं बाजपुर, कोटद्वार, मसूरी और रुद्रप्रयाग की, जहाँ पर आज बढ़ती महंगाई को लेकर के ये विरोध जताया गया है। वहीं मसूरी के विकासखंड जौनपुर के कुछ युवाओं ने टिहरी गांव के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराए जाने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। करीब एक दर्जन युवाओं ने गांव में बनी सरकारी और गैर सरकारी पानी की टंकियों को साफ करने का काम शुरू किया है। सफाई के दौरान पानी की टंकियों में सालों से जमा कीचड़ और गंदगी निकालने का काम हो रहा है। टंकियों में ब्लीचिंग पाउडर डाल करके उनको स्वच्छ बनाने की कोशिश हो रही है। अब तक इन युवाओं ने गांव-गांव घूमकर करीब 60 से ज्यादा टंकियों को साफ कर दिया है। इसके बाद ग्रामीणों के साथ प्रशासन और जनप्रतिनिधि और युवाओं के कामकाज की सराहना की जा रही है। पौड़ी की चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत डबरा मजगांव इलाके में गुलदार ने घात लगाकर एक महिला पर हमला किया और इस हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त घर के पास ही खेत में वो महिला काम कर रही थी, तभी गुलदार ने उसके ऊपर अचानक से हमला बोल दिया और उसके बाद उसको जान से मार डाला। ग्रामीण उस वक्त शव को कब्जे में लेकर सरकार से मुआवजा और मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग यह है कि गुलदार को तत्काल नरभक्षी घोषित करके मार डाला जाना चाहिए ताकि उनकी भी जान की सुरक्षा हो सके। खबर देहरादून से है। कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। 24 घंटे में कोरोना के 388 नए मामले आए हैं। एक दिन में कोरोना से 15 लोगों ने जान गंवा दी है। कोरोना से अब तक 6878 लोगों की मौत हो चुकी है और एक्टिव केस की संख्या 6641 है। तो पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड के अंदर 388 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के आंकड़े बेहद तेजी के साथ कम हुए हैं और लगातार इन आंकड़ों में कमी भी देखी जा रही है। इसके अलावा 24 घंटे में आप देखें 388 नए मामले हैं कोरोना के। एक दिन में 15 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है और आंकड़ा बेहद तेजी के साथ कम हुआ है। हालांकि अगर अब तक कुल आंकड़े की बात करें तो 6378 है और एक्टिव मरीजों की संख्या 6641 है। वहीं उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का भी कहर लगातार जारी है और अब ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 356 यह आंकड़ा पहुंच गया है। ब्लैक फंगस से अब तक 56 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है और ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 356 हो गई है। ब्लैक फंगस से अब तक 56 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो बेहद गंभीर होता हुआ ब्लैक फंगस नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े जहां एक तरफ कम हो रहे हैं लेकिन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के तौर पर आप इसको जरूर देख सकते हैं और ज्यादातर ब्लैक फंगस उनको ही अपनी संक्रमण की चपेट में ले रहा है जो कि कोविड से रिकवर्ड हुए पेशेंट हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, चूंकि ये आंकड़ा आप देखें लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल और चंपावत जैसे जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है और इन जिलों में मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही चेतावनी ये भी जारी की गई है कि जिसमें छोटी नदियां और नालों के पास रहने वाले सावधानी बरतें। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम के बदलते मिजाज के चलते राज्य के मैदानी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली गिरने के साथ तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। इसके अलावा हरिद्वार, देहरादून और टिहरी जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 3 तारीख को पहुंच गया था और 3 तारीख को केरल पहुंचने के बाद ये उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। मॉनसून की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र से होकर गुजर रही भारत के उत्तर लिया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 10 दिनों में वर्षण में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।
तो उत्तराखंड में 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। विशेषकर जबकि 12 तारीख को उत्तराखंड क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है, जैसे कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी जनपद है। और जो मैदानी क्षेत्र है जैसे हरिद्वार या उधम सिंह नगर जनपद में भी कहीं कहीं बारह, हालांकि नौ जो सामान्य है उसके आसपास चल रहे हैं। अगले 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान है उनमें 2 से 4। बुधवार रात और गुरुवार की सुबह उत्तराखंड में प्री मानसून ने अपना कहर बरपाया है। राज्य के कुमाऊं बरसाती ना गए हैं। भूस्खलन की वजह से कई हाईवे बंद हो गए। राजधानी देहरादून में भी बुधवार को देर रात भारी बारिश हुई है। से रायपुर के आगे मालदेवता भारी मलबा आ गया है। यहाँ कई घरों में मलबा घुस गया है। मालदेवता में किसी के नुकसान की हालांकि कोई सूचना नहीं है। फिलहाल गुरुवार दून में बारिश रुकी और इसके बाद बादल अभी भी हैं। कुमाऊं और गढ़वाल में भी लगभग इसी तरह से उमस भरी गर्मी है। तरीके से रोड में पूरा मलबा आया है। रोड ही नहीं बल्कि लोगों के घरों तक, और जो किसान करते थे लोकल, उनकी खेती भी यहाँ खराब हुई है। आप देख सकते हैं ये जो मालदेवता के खेत हैं, ये लोग यहाँ कहीं ना कहीं कहीं अदरक उगा रहे थे, कुछ कहीं ना कहीं इस मलबे के चलते जो किसानी थी उनकी पूरी तरीके हो गई है। घर में मलबा घुस गया है, जो खेती करते थे कैसे नष्ट हो गई, तो कहा जा सकता है बेहद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ एक स्थानीय किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरीके की दिक्कतें आपको अब हो रही हैं? अभी देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर रहने की दिक्कत है बहुत ज़्यादा, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, 1 बजे से परेशान है। सुबह नाश्ता, अभी तक लंच का टाइम हो गया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया हमने, बच्चे भी भूखे ही हमारे साथ। और दूसरी परेशानी आ रही है कि हम यहाँ रहेंगे कैसे अब इसके बाद, क्योंकि बारिश तो कभी भी आ सकती है, अभी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे बड़ी जो इस टाइम पर हमारे साथ परेशानी है कि वो रहने की है, कि हम कहाँ रहें, कहाँ जाएँ। तो शासन प्रशासन से ये गुजारिश है हमारी कि वो सबसे पहले हमारे लिए कहीं रहने का इंतजाम करें जहाँ पे हम सुरक्षित ढंग से रह सकें। इसके साथ ही आपके खेत थे, खेत का भी नुकसान हुआ, किस तरीके से देखते हैं, कैसे आप लोगों ने खेत के लिए काम किया था, लोन लिया था, किस तरीके से आप किसानी कर रहे थे? देखो, हम कोई ज़्यादा बड़े किसान तो नहीं है, छोटे मोटे किसान हैं, और महिलाएं यहाँ पे ग्रुप बना के काम कर रही हैं, क्योंकि अधिकतर जो यहाँ के लोग हैं वो कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी वाले ही लोग हैं। और तो हमने क्या किया था, हम एक समूह से जुड़े थे, उस समूह के चलते बैंक ने हमें 1% पे लोन दिया था। और वो लोन लेने के बाद हमने यहाँ पे हमेशा ही, हम लोग यहाँ पे छोटी मोटी फसल करते हैं, कुछ ना कुछ अदरक लगाते हैं, जैसे धनिया लगाते हैं या मूली बोते हैं, ऐसा कुछ हम छोटा मोटा करते हैं। लेकिन ये जो अदरक का जो ये होता है ना, बहुत महंगा एक वो है, क्योंकि अभी जो हम जब हमने लिया तो 12-14 हज़ार रुपये कुंटल था अदरक। और वो लेने के बाद हमने यहाँ पे इसको लगाया, और आप स्थिति देख सकते हो कि ये पूरा मलबे में इसने पूरा तबाह हो गया सब कुछ। तो अभी तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि यहाँ से कुछ होगा। आप क्या चाहते हैं प्रशासन और सरकार से, क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग ये है कि हमें एक तो रहने के लिए कहीं सुरक्षित जगह पहले तो दी जाए, और दूसरी बात कि जो हमारा लोन है बैंक से उसको खारिज किया जाए। तो कुल मिला के आपने देखा कि सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई, लोगों के घरों तक जो मलबा पहुँच चुका है, जो किसानी वो करते थे वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि सबसे पहले तो उन्हें रहने के लिए सुरक्षित स्थान दिया जाए सरकार की तरफ से, ताकि वो सबसे पहले अपना घर में रह सकें, उसके बाद वो आगे का कुछ सोचते हुए नज़र आएंगे। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये है मालदेवता का क्षेत्र, और आप देख सकते हैं मालदेवता में किस तरीके की भयानक आपदा जैसी स्थिति बन गई है। इसकी मुख्य वजह ये है कि यहाँ रोड कटिंग का जो कार्य है वो पिछले लंबे समय से चल रहा था, लेकिन जो कंपनी यहाँ काम कर रही थी उन्होंने डंपिंग जोन नहीं बनाया था, और उसका खामियाजा पहली बरसात में आम जनता को उठाना पड़ा। आप देख सकते हैं पूरे एरिया, यानी कि ये पूरा रास्ता है, ये कोई पहाड़ी नहीं है बल्कि ये सड़क है जो कि टिहरी को जाती है, उत्तरकाशी को जाती है, मसूरी को जाती है, और ये मुख्य मार्ग है मालदेवता का। लेकिन आप देख सकते हैं अब ये जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा है, पूरा मलबा यहाँ पहुँच चुका है। और इसकी मुख्य वजह है कि जो रोड कटिंग का जो सामान था, या भी कहा जा सकता जो मटेरियल था, वो डंपिंग जोन उसका नहीं बनाया गया था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और पहली बरसात में जो मलबा है वो सड़कों तक पहुंच गया। ना केवल सड़कों तक बल्कि आसपास के जो घर हैं आपको दिख रहे होंगे, उन घरों तक वो मलबा पहुंचा है, जिसके बाद जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि
सरकार और प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ नजर आई कि रात के समय यानी कि देर रात ये घटना हुई और सुबह लगभग 11 बजे तक ना तो यहाँ प्रशासन पहुँच पाया और ना ही ये जेसीबी मशीनें। जब यहाँ सरकार के मंत्री पहुँचे उसके बाद जाकर यहाँ मशीनें पहुँची। हालांकि सरकार के जो मंत्री हैं गणेश जोशी, उनका साफ तौर से कहना है कि इसके खिलाफ कार्रवाई, जो भी इसके पीछे पाया जाता है चाहे वो अधिकारी हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी नज़र आ रही है। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़। इंडिया न्यूज़ अब उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां से पूरा मलबा आया है। आप देख सकते हैं ये पूरा वो क्षेत्र है जहां से ये मलबा सड़कों तक पहुंचा है, यानी कि जो ऊपर है वो रोड कटिंग का काम चल रहा था, लेकिन क्योंकि जो ठेकेदार थे उन्होंने डंपिंग जोन नहीं बनाया गया था और जो मलबा था वो लगातार सड़कों से नीचे गिरा रहे थे, और पहली बारिश यानी कि मानसून शुरू होने से पहले ही जो बारिश हुई उसका नतीजा ये रहा कि जो मलबा था वो उस स्थान से खिसक कर सड़कों तक आ गया, और मलबा इतना ज़्यादा था कि आप देख सकते हैं क्या स्थिति इन सड़कों की बन चुकी है। गिरी और एक देहरादून, लेकिन अब ये बताना मुश्किल है कि यहाँ पे जो मुख्य चौक था वो किस जगह पे है, यानी कि जो मलबा है उसके नीचे वो पूरी तरीके से दब चुका है। हालाँकि जो बोर्ड हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, जो जेसीबी है वो काम करती हुई नज़र आ रही होगी, जो नेता हैं अधिकारी वो आपको दूसरी तरफ नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि आखिरकार इसके पीछे की जो लापरवाही थी अधिकारियों की उसको लेकर सरकार कब तक एक्शन लेती है। देहरादून से सुभाष गौर, इंडिया न्यूज़। और चलिए इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।